बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान नेवी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए अभी तक बेताब थे कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर और कौन कौन से शोभा जात में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपके साथ सब चीजें डिस्कस की जाएंगी और आपके साथ ये भी प्रोसेस बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटर कैसे सेलेक्ट करने हैं और अप्लाई की डेट क्या है और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के फिर अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर है, क्या फीमेल अप्लाई कर सकती है या मेल अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या जस्ट बीएस या ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि आपने अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे जाके करना है, वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ताला जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए ज्यादा बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एड की तरफ। जो हमारे सामने एड आया उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर देंगे। जो हमारे पास अनमैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास अनमैरिड होना चाहिए और एज उसकी जो होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2020 तक जो होनी चाहिए वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद सर्विसेज आपके साथ शेयर किया जा रहा है, हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, आपके साथ भी डिस्कस हो जाएगा। एज ऑन 1 जुलाई 2021, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद जो सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए, जो सर्विस मीन जिन लोगों की सर्विस कोई किसी जगह पे काम करते हैं या आर्मी के अंदर पहले हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो सर्विस कैंडिडेट है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। उसके साथ सिविलियन के साथ शेयर की जा रही है। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो हमसे, कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिक FSC 60% मार्क्स, एटलीस्ट आपके पास 60% मार्क्स हो, आपने FSC पास की है तो आपके पास 60% मार्क्स हो ताकि आप इजिली अप्लाई कर सके। उसके बाद आपके साथ ये डिस्कस किया जाएगा कि आप इसके अंदर कैसे क्या करना है। आपके पास ओ लेवल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 60% मार्क्स रिक्वायर है। उसके बाद हाउ टू रजिस्टर, रजिस्टर के लोगों ने एक वेबसाइट डिटेल दी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि मेन ज्यादा पॉइंटेड पॉइंट ये होता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, एंट्रेंस टेस्ट विल बी एंटरटेन्ड बाय द रिस्पेक्टिव, आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक मैसेज आएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ई टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नेवी का टेस्ट दिया हुआ, मैंने भी आरआईडी दिया हुआ, मुझे भी इसके वजह से है, वर्बल नॉन वर्बल ये सारी चीजें अंदर आती हैं, जीके की आती है, मतलब जनरल नॉलेज भी टेस्ट आता है। उसके बाद जो बात की गई है टेस्ट कहां से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं इजिली, ठीक है। और ये देखें आपके सामने, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं। एग्जैक्ट डेट फॉर एंट्रेंस टेस्ट वुड बी इंटीमेटेड टू द ईच इंडिविजुअल थ्रू SMS, जब भी एग्जैक्ट डेट होगी आपको जो डेट रखी जाएगी आपको मैसेज के थ्रू आपके नंबर पे बता दिया जाएगा। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू, ठीक है, जो आपके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो टेस्ट को पास करेंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी के अंदर आपसे क्या करवाया जाएगा, रनिंग आपसे करवाई जाएगी, जो आपने 8.3 मतलब 8.5 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर करना होगा। डिस्टेंस पुशअप्स आपसे लगवाए जाएंगे, 10 रेपिटेशन मतलब 2 मिनट्स के अंदर आपने 10 रेपिटेशन मतलब पुशअप्स निकालने, सेटअप्स आपने निकाले मतलब आगे हाथ बैक साइड भी टांगे उसको करके सेटअप्स निकालने, वो भी 2 मिनट्स में आपने 10 निकालने। उसके बाद चिन अप्स आपने 2 रेपिटेशन 2 मिनट्स, ठीक है, आपने 2 रेपिटेशन मतलब 2 मिनट्स में निकालने हो। उसके बाद नीचे आ जाए, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इशूड टू दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी, एप्लीकेशन फॉर्म उनको सिर्फ मिलेगा जो प्रीलिमिनरी मतलब स्टार्ट पे क्लियर करके आ जाएंगे, अपने सारे प्रोसीजर को क्लियर करेंगे, फिजिकल टेस्ट को भी, एंट्री टेस्ट को भी क्लियर करेंगे, इंटरव्यू को भी। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर मेरिट वुड बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यूज, ISSB के लिए शॉर्ट कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISSB रिकमेंड कैंडिडेट्स वुड बी हेल्ड एट नियरेस्ट CMH, जो मेडिकल कमीशन होगा वो नियरेस्ट जो CMH होगा उसको इशू करेगा, उसको रिकमेंड करेगा। उसके बाद फर्दर प्रोस्पेक्टस, हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हम देख लेते हैं, ग्रांट ऑफ परमेंट ये आपके सामने है, अदर बेनिफिट वो भी आपको सिटीज डिस्कस की जा रही है कि आपके साथ फैसिलिटी क्या डिस्कस, दूसरा क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को जो एलिजिबल होगा, जो सिलेक्ट हो जाएगा उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी वो आपके साथ है। उसके बाद एलिजिबिलिटी टू वाइस रिजेक्टेड बाय SSB, जो एक दफा मतलब 2 टाइम जो अप्लाई करेगा, 2 टाइम वहां से रिजेक्ट होगा वो नेक्स्ट अप्लाई नहीं कर सकेगा, ये चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है, ये डिस्कस किया जा रहा है। जो लास्ट डेट है वो आपके साथ 20 दिसंबर है 2020 है, जो अभी चल रही है, लाइक आज 7 दिसंबर है।
उसके बाद आपके साथ सेंटर फॉर क्यूरीज विजिट नियरेस्ट पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर, ये नीचे सिलेक्शन सेंटर आपसे डिस्कस किया गया, आप इनको देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमने अप्लाई कहाँ पे करना है जाके, ये सारा हमने रीड आउट कर लिया, हमने सारा अगर हम इसके लिए एलिजिबल हैं तो अब हमने अप्लाई कहाँ पे करना है जाके, कौन सी जगह पे करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली जाना गूगल पे, गूगल पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने आके आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डब्ल्यू ज्वाइन नेवी पे आ जाए, जैसे आप इस पे आएंगे वहां पे आके आपने ज्वाइन पाक नेवी पे कर लेना है। इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ज्वाइन पाक नेवी की वेबसाइट आ जानी है। आपने सिंपली गूगल पे टाइप करना है www.joinparknavy.gov.pa पे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लेटेस्ट एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सिलेक्शन इंडक्शन, आप यहाँ से देख रहे हैं जो भी आप पीएन कैडेट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या किस चीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक मैं पीएन कैडेट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एफ सर्विस सिविलियन, मतलब हम सिविलियन, हमारी कोई सर्विस नहीं है। उस बात के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने मैट्रिक आपके यहाँ साइंस है या ओ लेवल है, उसके बाद मार्क्स एंड सीजीपी आपसे डिस्कस किया जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसको देख सकते हैं, ऊपर दिया गया आपके सामने क्लियरली। आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स अपने देने, लाइक 1100 मेरे मार्क्स जो थे 98 थे, उसके बाद जो 10 है वो मेरे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने चूज करना, एग्जांपल के तौर पे बोर्ड जो भी यूनिवर्सिटी है मेरा, लाइक 22 मैं चूज करता हूँ, लाइक यूनिवर्सिटी जो भी है मेरा बोर्ड, ठीक है, लाइक हम जो भी बोर्ड चूज कर लेते हैं, जो हमारा लाइक एग्जाम्पल के तौर हम ले लेते हैं, ठीक है, लाहौर बोर्ड, ये आ गया। उसके बाद एफएससी के मार्क्स आपने एडिट करने ऐड करने, लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरे एफएससी के मार्क्स ये हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स मेरे 1100 हैं, तो आपने वो मेंशन करना। उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर आपने कोई स्टडी किया है तो वो ठीक है, नहीं तो आपका बोर्ड जो है वो लाहौर ही आएगा, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप वो चूज करेंगे, ठीक है। मैं इसको चूज करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फुल नेम मैं डिस्कस करूंगा, लाइक मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आज जो मेरा रिजल्ट कार्ड पे, उसके बाद बे फॉर्म नंबर आपने ऐड करना, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा बे फॉर्म नंबर है। उसके बाद आपने क्या करना है, फादर या गाड़ी नेम आपने ऐड करना, लाइक ये फादर गाड़ी नेम है। उसके बाद मैं आईडी कार्ड नंबर ऐड करता हूँ, 311014888 ये मैं ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जो भी है मेल या फीमेल है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं डेट जो बर्थ सेलेक्ट करता हूँ वो ये कर लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने ये आ गया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, हम यहाँ पे आके 2019 को 2077 कर लेते हैं ताकि इजीली हमारे लिए हो जाए। हाइट आपकी ये रिक्वायरमेंट है 5.4 जो आपकी है, अगर आपकी ज़्यादा है तो वो आप ज़्यादा इंक्रीज करके बता सकते हैं, ठीक है, आप हाइट ही देख लीजिएगा। उसके बाद मार्शल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस मतलब आप सिंगल है, मैरिड है जो सिंगल है। उसके बाद सिलेक्ट रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम है। उसके बाद सिलेक्ट सुन्नी है या कौन हमारा फिका आ गया। उसके बाद रूरल है या अर्बन है, शहरी है या देहाती है, लाइक रूरल है देहाती है। उसके बाद आप मेंशन करें पंजाब के हैं, कौन से एरिया से हैं, पंजाब के हैं, फाटा के हैं, कहाँ से, आप वो प्रोविंस आप मेंशन करें। उसके बाद अटक आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, लाइक मेरा भावनगर है तो मैं भावनगर ऐड कर देता हूँ। पोस्टल एड्रेस एग्जांपल के तौर पे ये मेरा पोस्टल एड्रेस है, उसके बाद एग्जांपल के तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मोबाइल नंबर ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एग्जैक्ट मोबाइल नंबर ऐड करें ताकि आपको जब भी वो प्रॉब्लम कॉल करें आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर ऐड करें, एग्जांपल के तौर पे 3012027670 वो ऐड कर दें। ईमेल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऐड कर दें, xyz@gmail.com एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये आईडी कार्ड कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे जब रोल नंबर स्लिप मैंने डाउनलोड करनी है तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरा जो मैंने आईडी कार्ड नंबर दिया, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये कंट्रोल सी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आपने सेलेक्ट सेंटर जो आपके करीब सेंटर है वो आपने सेलेक्ट करना, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास मुल्तान है या फैसलाबाद, लाइक मैं फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने अगर एक दफ़ा चूज कर लिया उसके बाद आपका सेंटर चेंज नहीं हो सकता, लाइक अब मैं सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सबमिट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ देखता हूँ कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, मे भी कोई चीज़ मिसिंग हो वो हम देख लेते हैं, नहीं कोई भी अभी चीज़ मुझको मिसिंग नहीं है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे आके अपने फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अभी मूव नेक्स्ट नहीं हो रहा, हम एग्जाम्पल के तौर पर पोस्टल एड्रेस अपना ऐड कर देते हैं पूरा, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे आके ये हमारा मूव कैंडिडेट हैविंग डिफरेंट सीएनआईसी और सीएनआईसी बे फॉर्म
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जाना चाहिए, ये मूव नहीं कर रहा, हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे, मतलब इसको फ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, या ईमेल एड्रेस हमारा में भी प्रॉब्लम कर रहा हो आई थिंक, या इसको डॉट तो ये आपने देख लेना, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी डेट हम देख लेते हैं, इसको 2000 कर लेते हैं, ठीक है, आप इसको 2000 कर लें पूरा। उसके बाद अब हम देखते हैं अब हमारा मूव नेक्स्ट होता है कि नहीं होता, अभी नहीं हो रहा, तो आपने इसको लाजमी कंफर्म करना, मेरे साथ शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक हो गया सबमिट, ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्शन ये हो गया मेरे ख्याल से सबमिट। उसके बाद कंफर्म, आप यहाँ पे कंफर्म करें, कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कंफर्मेशन इज प्रोग्रेस, कंफर्म पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, यहाँ पे मेरा फोटो टेक का प्रिंट, आप यहाँ पे आएंगे टेक का प्रिंट आप आ जाएगा, यहाँ पे आपने पिक ऐड करनी है, पिक ऐड करने के बाद आप यहाँ पे फोटो पे आ जाएं, यहाँ पे इसको सेव करें, ठीक है, सेव करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला ये आपकी सारी जो फॉर्म है आपके सामने क्लियर कर दिया गया है। होप सो कि आप इसी तरह अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप इंशाल्लाह ताला इशू की जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं खुद भी, यहाँ पे ये देखें रजिस्ट्रेशन स्लिप आ गई। अब हम देखते हैं शायद इसके अंदर पिक्चर भी ऐड करनी हो, आई थिंक मैंने नहीं देखा, हम पिक्चर का देखते हैं, अगर पिक्चर ऐड करनी तो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं मांगी गई, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं मांगी गई, तो हमें क्या करना है, पिक्चर अपनी खुद लगानी है, ठीक है, और इसी तरह हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये था आपके सामने छोटा सा प्रोसीजर, और इसकी तैयारी कैसे करनी है इंशाल्लाह ताला वो भी नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो होप सो कि ये आपका जो पॉइंट था अप्लाई का प्रोसीजर था वो आपसे डिस्कस हो चुका, आप इजीली यहाँ पे आके रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आपने को टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अपने सेंटर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो वो भी जान सकते हैं, और होप सो कि आपके सारे जो क्वेश्चन थे वो इजिली क्लियर हो चुके हैं, और अगर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नीचे दिए गए नंबर पर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है। जजाकल्ला शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।